जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन पांडे, एक्स आर्मी। आज योग को आगे बढ़ाते हुए हम सूर्य नमस्कार के ऊपर चर्चा करेंगे और सूर्य नमस्कार के आसनों के बारे में जानकारी लेंगे। सूर्य नमस्कार को विदेशों में सन सैल्यूटेशन करके जाना जा रहा है। तो सूर्य नमस्कार है क्या, आखिर इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ी? देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकृति को, जितनी भी इसकी चीजें हैं, उनको प्रणाम करना सिखाया, उनको आदर करना सिखाया। क्यों? क्योंकि प्रकृति की हर एक चीजें हमसे और हम उनसे आपस में कोरिलेटेड हैं। अगर हम उनको कुछ दे रहे हैं तो वो भी हमको कुछ दे रही हैं। शायद ऐसा जरूर हो सकता है कि हमने कुछ ना दिया हो, लेकिन उन्होंने हमेशा हमको इस प्रकृति के द्वारा उत्पन्न की हुई चीजों ने हमें कुछ ना कुछ दिया है। जैसे अब हमारा जीवन या इस संसार का जितना भी जीवन है, उनको चलने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर एक प्राण और नंबर दूसरा शक्ति। शक्ति की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि हम अपनी क्रियाओं को कर सकें। और प्राण की आवश्यकता तो आपको पता ही है, अगर प्राण नहीं होगा तो हमारा जीवन निष्प्राण हो जाएगा और हम मर जाएंगे। कोई भी जीवित, जो मतलब कोई भी लिविंग बीइंग है, अगर उसके अंदर प्राण ही नहीं होगा तो फिर वो तो डेड है। इसलिए प्राण हमको हवा के द्वारा मिलते हैं और शक्ति हमको प्रकाश के द्वारा मिलती है। प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत इस संसार में सूर्य भगवान जी हैं। तो इसलिए हमें जो शक्ति मिल रही है हमारे जीवन को चलाने के लिए, उनको आदर देने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य नमस्कार का निर्माण किया, ताकि हम सुबह उठकर सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाएं, उनके मंत्रों के साथ, आसनों के साथ उनको आदर दें, ताकि हे प्रभु, उनका आभार व्यक्त करें कि हे प्रभु, आपने जो हमारे जीवन में इस शक्ति का संचार किया है, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो दोस्तों, मेरे इस योग चैनल भरत योग केंद्र को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। अब मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप सन सैल्यूटेशन या सूर्य नमस्कार को बताऊंगा। देखिए, इसके फायदे क्या क्या होते हैं। इसका जो फायदा होता है सूर्य नमस्कार का, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। नंबर दूसरा, हम इसको ब्रीथिंग के साथ करते हैं तो हमारा ऑक्सीजनेट ब्लड, मतलब जो हमारा क्या कहते हैं, ये वायुयुक्त, शुद्ध वायुयुक्त जो रक्त होता है, हमारी सब कोशिकाओं को मिलता है, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, हमारी बुद्धि निर्मल होती है। दूसरी, हमारे शरीर के अंदर जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा होने लगता है। तीसरा, जो मोटे व्यक्ति हैं, आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है, मोटापा की। और मोटापा कितनी जगहों से बढ़ता है, पेट और हमारे नितंब। ये दो चीजें ऐसी होती हैं जहां पे मोटापा बढ़ रहा होता है, ये साइड से लटक जाता है, पेट आगे को बढ़ जाता है, हिप्स पीछे को हो जाते हैं, मतलब हमारा शरीर का जो एक भगवान ने ढांचा बनाया है उससे हम बेढांचे हो जाते हैं, अलग ही खांचा हम अपना तैयार कर देते हैं। तो उनके लिए भी ये सूर्य नमस्कार बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आप जो बिगनर्स हैं वो इनको 5 सेट से शुरू करें, लगभग 1 हफ्ते तक 5 सेट करें, 12 आसनों का 1 सेट बनता है। तो ऐसी 5 करेंगे तो 12×5=60, मतलब आप 60 आसन को 15 या 20 मिनट में समाप्त कर सकते हैं और आपकी बॉडी में भी इतना पेन भी नहीं होगा। क्योंकि जब हम बिगनर्स, मतलब शुरू करने वाले होते हैं या शुरू कर रहे होते हैं, तो जब भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो एक जनरल सी बात है कि हम एक जो हमारी नॉर्मल लाइफस्टाइल है उससे थोड़ा सा अपनी बॉडी को कुछ अलग से मोड देते हैं तो हमारी जो नस नाड़ियां होती हैं उनमें पेन होना शुरू हो जाता है। तो आप इसकी चिंता ना करते हुए 5 सेट से अपने शरीर को फिट करने के लिए 50-100 सेट तक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सूर्य नमस्कार को करके बताऊंगा। इसमें आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि आपने अपनी ब्रीथिंग पे पूरा कंसंट्रेशन करना है, जब तक आपको 15 से 20 दिन नहीं हो जाते हैं। उसके बाद आपके साथ वो रेगुलर होगा, जब भी आप आसन करोगे, जिस आसन को भी करोगे उसमें अगर सांस छोड़नी होगी तो छूटेगी, अगर लेनी होगी तो लोगे। ठीक है, सबसे पहले आप दोनों पैरों में खड़े हो जाएंगे, ऐसे आपके दोनों हाथ साइड में होंगे, यहां से सांस लेते हुए हाथों को सर के ऊपर से हाथ यहां पे जोड़ने हैं और इस पोजीशन में सांस छोड़नी है। पहला स्टेप प्रार्थना मुद्रा का, देखो सांस छोड़ दी। दूसरा स्टेप हस्तोत्थान आसन, हाथ को सर के पीछे ले जाना है सांस लेते हुए। तीसरा
तीसरा स्टेप सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन, मतलब हाथों को जमीन के साथ लगाना, हिप्स को पीछे को खींचो, आपके घुटने टाइट होंगे, कोई भी बंदा या कोई भी हमारी बहन इस तरीके से नहीं करेगी कि हाथ तो पूरे जमीन में लगा दिए और घुटने ऐसे फोल्ड कर दिए, इस तरीके से नहीं होगा। आपके हाथ यहीं पे हों लेकिन आपके घुटने टाइट होंगे। कंसिडर दिस पॉइंट, देखिए ये आप हिप्स को पीछे को खींचे, हाथों को दोनों पैरों के बगल में लेके आए और जो कर सकता है अपने नाक को घुटनों के साथ लगाए। उसके बाद नेक्स्ट आसन अश्व संचालन आसन, दाहिना पैर पीछे, घुटना जमीन के साथ, ये मतलब हम जैसे घोड़ों को लगाम, हमारे जो रथ होते हैं उसको चलाते थे, इसलिए अश्व संचालन, अश्व संचालन इसका नाम ही अश्व संचालन है। तो इस पोस्चर में आपने क्या करना है, देखिए पहले पोस्चर में आपने सांस छोड़ी, दूसरे में ली, तीसरे में छोड़ी, इस पोस्चर में आपने सांस लेना है जब आप कर रहे होते हो, और जब ये आसन की अंतिम स्थिति में पहुंच जाते हो तो इसमें नॉर्मल ब्रीथिंग, सांस का लेना छोड़ना कंटिन्यू होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आसन है पर्वत आसन, तो इसमें आपने सांस लिए, इसमें छोड़ते हुए आपने इस आसन को करना है। अब आप देखिए मेरे पैरों को पीछे से कि एड़ी भी जमीन के साथ लगी है और पंजे फ्लैट हैं, मैंने नाभि को देखा है अपनी। उसके बाद अष्टांग नमस्कार में सांस लेना है, अष्टांग नमस्कार में दोनों पैरों के पंजे, घुटने और चेस्ट और चिन जमीन के साथ लगी रहेगी, ये आपका पोस्चर है। इसमें आपने ब्रीथ ली है, डीप ब्रीथ, और इसी पोस्चर में सांस को छोड़ देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आसन है भुजंगासन, इस पर सांस लेते हुए ऊपर उठना है, ये आसन की अंतिम स्थिति में नॉर्मल ब्रीथिंग, दोनों पैर पीछे से मिले हुए, शोल्डर पीछे को, ऊपर आसमान को देखें, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट, फिर सांस छोड़ते हुए पर्वत आसन पे आ जाएं वापस, फिर सांस लेते हुए अश्व संचालन आसन, नजर सामने होगी, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे वाले पैर को सीधा करके दोनों पैरों को और दोनों हाथों को एक सीध में रखें, फिर सांस लेते हुए हाथ ऊपर वापस हस्तोत्थानासन, फिर सांस छोड़ते हुए प्रार्थना मुद्रा। तो ये हो गए 12 आसन, 12 आसनों का एक सेट। तो दोस्तों जहां तक मैंने अभी आपको बताया, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इन आसनों को ब्रीथिंग के साथ प्रॉपर करें। ब्रीथिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया है, उसके बाद भी अगर आपको किसी को समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को पर्सनली या आप मेरे इस योग चैनल पे मैसेज छोड़ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8954915038 पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो कि सीक्वेंस कैसे होगा। लेकिन आपसे फिर एक बार कहूंगा कि आप रोज योग करें, खुद करें, दूसरों को प्रेरित करें। आप जिस जगह खड़े हो, जिस स्टैंड को आप बिलोंग करते हो, वहां पे अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको देख के दो या तीन बंदे पक्के मोटिवेट होंगे और एक अच्छा समाज हम निर्मित कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर से आपसे अनुरोध है कि आप मेरे भरत योग केंद्र जो ये चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, और वीडियो को पूरा देखें। जय श्री राम।